नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर के अंदर फाइनली वो दिन आ गया जहां पर विवेंद सेना और उनके पूरे के पूरे ग्रुप ने एक बहुत बड़ी यहां पर जीत जो है वो हासिल कर ही ली दोस्तों। नेट टाइम गॉट टास्क जो है बिग बॉस 18 के घर के अंदर आ चुका है दोस्तों, जहां टीम ए और टीम बी के बीच में मुकाबला लड़ा जाना था, जहां टीम ए के रजत मतलब टीम ए के विवेन दिसेना अविनाश मिश्रा ने पूरी तरह से धूल चटा दी टीम बी के रजत दलाल को। क्या है खबर, क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टाइम गॉड बनने के लिए एक बिग बॉस के मेकर्स ने टास्क दिया, गार्डन एरिया में एक सेटअप बनाया गया जहां पर दो दो टीमों को मुकाबला लड़ा जाना था, जहां टीम ए में थे यहां जो पूरा विवेंद सेना का जो ग्रुप है, विवेंद सेना, ईशा, एलिस, अविनाश और साथ ही साथ शिल्पा शिरोडकर भी विवेंद के ग्रुप में थी और चुम दरंग भी विवेंद के ग्रुप में थी। इसके अलावा अपोजिट में करणवीर की टीम थी, करणवीर की टीम में दिग्विजय सिंह राठी थे, चाहत पांडे थी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसमें पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स का जो ग्रुप था सिवाय कशिश कपूर के, वो सारे के सारे लोग जो है वहां पर थे। अब बताना चाहते हैं दोस्तों, दोनों ही ग्रुप के बीच में मुकाबला लड़ा जा रहा था। जैसे कि बिग बॉस 18 से पहले जितने भी सीजन होते थे उसमें कैप्टेंसी के लिए कैप्टेंसी के दावेदार पहले चुने जाते थे, ये बेसिकली वही टास्क था। अभी कैप्टेंसी पावर तो नहीं, लेकिन टाइम गॉड की जो पावर है वो दोनों में से जो टीम जीतती उनको, उनके पास जो है ये अधिकार होगा कि उनकी टीम में से किसे वो लोग बनाना चाहेंगे कैप्टन, मतलब टाइम गॉड। अब बताना चाहते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आते हैं दोस्तों रजत दलाल, और रजत दलाल जो हैं वो आते हैं और रजत दलाल आते हुए यहाँ पर सबसे पहला हमला करने की कोशिश करते हैं जो टीम ए के जितने भी सदस्य हैं उन पर, और टीम ए के सदस्यों के द्वारा बनाया गया जो मूर्ति होती है उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये वाला टास्क जो था लैडर वाला टास्क था, सीजन 13 में भी हुआ था जहां पर बहुत ही ज्यादा फाइट हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर, अब वैसा ही टास्क जो है वो हुआ। और इस टास्क में रजत दलाल की जो बैंड बजाई है ना विवेंद सेना और अविनाश मिश्रा ने, जो उठा के हवा में उछालते हुए रजत दलाल को पटका है, रजत दलाल की पूरी तरह से यहां पर एकड़ी जो है वो निकाल दी है। और रजत दलाल जो कि अपने आप को बताते थे बिग बॉस 18 के घर के वो शेर हैं, अब बताना चाहते हैं वो शेर नहीं बल्कि बिल्ली बन गए हैं दोस्तों। यहां पर उसकी हेकड़ी जो है पूरी तरह से निकाल दी है, यहां पर किसी और ने नहीं बल्कि हमारे विवेंद सेना ने, बल्कि अविनाश मिश्रा भी पूरी तरह से अपनी पावर जो है वो दिखाते हुए नजर आए। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इस लड़ाई, इस फाइट को आप देखने के लिए बिग बॉस 18 में, प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू ये बात तो जरूर बताएं दोस्तों। और रजत दलाल जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा डेढ़ शाणा समझता था बिग बॉस 18 के घर के अंदर, उसकी एकड़ी तो निकली बाहर, उसका जो फालूदा बन रहा है कि मोटी बुद्धि मोटा शरीर लेकर कोई बिग बॉस के घर के अंदर जो है शेर नहीं बनता, ये बात पूरी तरह से साबित हो जाता है। सही टेक्निक, सही पावर का इस्तेमाल करने वाला ही बिग बॉस के घर के अंदर का शेर है, और ये बात विवेंद सेना ने प्रूफ कर दिया।